संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन लोकसभा में राहुल के तेवर देखने लायक रहे। आक्रामक अंदाज में राहुल लगातार दूसरे दिन सवाल पर सवाल सत्ता पक्ष पर दागते रहे। मणिपुर में हुई हिंसा की वारदातों पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर में भारत माता की हत्या का आरोप लगाया और यही नहीं, उन्होंने सत्ता पक्ष को देशद्रोही तक करार दे दिया। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आपने देखा कि कैसे लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी आक्रामक तरीके से बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी के इन बयानों से हंगामा में मच गया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामा मच गया और देर रात सभापति के आदेश पर सदन के रिकॉर्ड से उनके इस बयान को हटा दिया गया। मोदी सरकार बुधवार यानी आज अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं बोला तो अडानी जी पर फोकस किया तो आपके सीनियर नेता को थोड़ा कष्ट हुआ, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। आज जो भाजपा के मित्र हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। राहुल ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे लोकसभा के सांसद के रूप में बहाल करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद मैंने आपको परेशानी दी थी क्योंकि मैंने अडानी पर ध्यान केंद्रित किया था। शायद आपके वरिष्ठ नेता को भी दुख हुआ, उस दर्द का असर आप पर भी हुआ होगा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने सच बोला। आज भाजपा के मेरे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाषण अडानी पर केंद्रित नहीं है। इसके बाद हंगामा होने लगा तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इन्हें अभी भी कष्ट हो रहा है। राहुल ने भाषण जारी रखते हुए कहा कि वो जो कष्ट हुआ उसका असर आप पर भी हुआ और उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। भाजपा के मित्रों को डरने की जरूरत नहीं है, आज का भाषण मेरा अडानी पर नहीं बल्कि उससे इतर है। आप रिलैक्स कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आज मेरा भाषण दूसरी दिशा में जा रहा है। रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा, दिल से बोलना चाह रहा हूँ। आज मैं आप लोगों पर इतना आक्रामण नहीं करूँगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा लेकिन इतना नहीं मारूंगा। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम क्यों चल रहे हो। शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता था, शायद मुझे नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि मैं लोगों के बीच जाना चाहता हूँ, लोगों को समझना चाहता हूँ, पर मुझे स्पष्ट मालूम नहीं था कि मैं क्या चाहता हूँ। पर कुछ दिनों में ही मुझे समझ में आने लगा कि जिस चीज़ से मुझे प्यार था, जिस चीज़ के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं मोदी जी के जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। राहुल ने कहा कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो 2-3 दिन में ही मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया था और हर कदम में दर्द। पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गया। राहुल ने कहा कि कोई कहता है ये देश अलग जमीन है, अलग मिट्टी, धर्म है, सोना है, चांदी है, मगर सच्चाई ये है कि ये देश सिर्फ एक आवाज़ है। अगर हमें इस आवाज़ को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, जो सपने हैं, उन्हें हमें परे करना होगा, तब हमें हिंदुस्तान की आवाज़ सुनाई देगी। अब आप कहेंगे कि ये बात मैंने अविश्वास प्रस्ताव में क्यों रखी। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज़ है, हमें अहंकार नफरत को मिटाना पड़ेगा। राहुल ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया लेकिन आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को आपने दो भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में राहत शिविरों में गया, वहां महिलाओं से बातचीत की, बच्चों से बात की, जो प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की है। मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल होने का जैसे ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया, लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, कई सांसदों के बीच नोकझोंक भी हुई। राहुल को भाषण में बीच में ही रोकना पड़ा, फिर भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उठे और कहा कि राहुल ने आज सदन में जो बातें कही हैं मैं उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ, 7 दशक तक ये होता रहा, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है।
राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पूर्वोत्तर को इन्होंने बर्बाद किया है और आज वहां सारी दिक्कतें कांग्रेस पार्टी की वजह से आ रही है। इस बीच स्पीकर ने भी राहुल गांधी को दो बार टोका और कहा कि आप संयमित बोलें, ये तरीका नहीं है। लेकिन राहुल ने कहा कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में चिंगारी लगाई, अब हरियाणा में कर रहे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। स्पीकर ने इस पर कहा कि ये सदन है, माननीय सदस्य आप किस तरह बोलना चाहते हैं इसका संयम रखें। यानी स्पीकर के रोकने के बावजूद भी राहुल गांधी बोलने से नहीं रुके और उनका ये आक्रामक तरीके से बोलने की वजह से ही लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। और इन भाषणों के बीच आपको ये भी खबर बता दूं कि इसके अलावा भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर संसद के भीतर अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगाया गया। स्मृति ईरानी ने उन पर आरोप लगाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। हालांकि इस पर कांग्रेस ने अपने नेता का बचाव किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।